भाई जबरदस्ती प्रेम नहीं होता है। कोई पति अपने पत्नी को डंडा मारे कहे कि तू हमसे प्रेम करो, प्रेम होगा? कोई पिता अपने बेटा को डंडा से पीटे, तू थोड़ा मुझसे उनसे भी बात कर प्रेम करो? एक लड़का था, अपने पिताजी से कहता था, पिताजी थोड़ा हमसे भी बात कर लिया, दूसरों से बात करते रहते, हमसे तो बात करते नहीं। तो एक प्रेम जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक होता है। साधन भक्ति जब परिमार्जित हो जाती है, साधन करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तो प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। पहले प्रेम जगाने के लिए साधन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, पहले नाम रटना पड़ता है। नाम रटते 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 फिर अब जीव को नहीं भी कहेंगे तो नाम चलने लगेगा। जैसे इको माइक है ना, तो एक बार हेलो कहे तो हेलो हेलो बहुत बार कहता रहता है। उसी तरह चित्त पर, नाम रटते रटते चित्त पर जब जोर पड़ता है तो स्वतः कृष्ण नाम होता है। हम देखे हैं कि कुछ कुछ महात्माओं के पास जाइए तो नाम बोल अपने आप नाम चलता है, कहीं जाइए तो नाम अपने आप बंद हो जाता है। तो भगवान का नाम क्या है? तो ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना श्रवणादि शुद्ध चिते पर उदय। सबके हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से रखा है, अब वो प्रेम विषय का चिंतन करते करते दब गया। प्रेम मन प्रेम हते है, प्रेम कहते हैं ठाकुर जी की सेवा की जो वृत्ति है उसको प्रेम कहते हैं, और अपने लिए जो सेवा की वृत्ति है उसको काम कहते हैं। तो काम से स्वतः प्रेम है वो दब गया, तो उसको जगाने के लिए क्या है? तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर, बार बार भगवान कृष्ण की लीला कथा सुनना, बार बार भगवान के नामों का संकीर्तन करना, बार बार ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करना। ऐसे करते 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 जो दबा हुआ है सुसुप्त कृष्ण प्रेम प्रत्येक प्राणियों के हृदय में जो है सोया हुआ है, ये साधना करते करते उठ जाए। बरसाने में एक महात्मा थे, मैं देखता था, मदन मोहन बाबा थे, मदन मोहन बाबा थे ना, पहले गिरिराज में रहते थे, फिर चले गए बरसाना में। तो वो जाते थे लीला स्मरण सीखने की, गुटिका सीखने के लिए जाते थे। वो पहले इस्कॉन के थे और उनकी मन में लालसा जगी थी हम लीला स्मरण करें, तो लीला स्मरण करने के लिए जाते। मैं देखता था रात दिन गुटिका लेकर के पड़े। मैंने कहा कि क्यों पढ़े रहते हैं ऐसे? तो कहते हैं कि देखो हमारा मन इसमें लगता नहीं, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते हमारा ऐसा मन करता है कि इसी में घुस जाओ, इसके अतिरिक्त मैं निकलूंगी। तो बाबा के पास बार बार जाते थे और जा करके घंटों घंटों बैठे रहते थे। बाबा के पास टाइम नहीं रहता था, लेकर रटते रहते थे। तो ये जो कृष्ण प्रेम है सबके हृदय में स्वतः है, उसको श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर है उदय। हमारे आचार्य लोग जैसे रूप गोस्वामी का, कृष्णनाथ, ये लीला का स्मरण करते 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 लीला प्रकट हो जाती है। अब जितने श्री रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ लिखे हैं, तो यह मत समझिए कि अपने बुद्धि को लगाकर लिखे, लीला देख करके लिखते। कुछ कवि लोग हैं कविता बनाते हैं, आजकल के जितने कवि हैं ग्रंथ लिखने वाले, तो ग्रंथ को लिखते हैं और लिख करके अपना नाम लिख देते हैं अपने कृति के लिए ग्रंथ। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे नहीं, प्रत्यक्ष लीला देखे, और लीला देख करके लीला प्रकट हुआ है, उनके मुंह से प्रकट हुआ है। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय, नाम संकीर्तन करके, भगवत कथा बार बार श्रवण करके जो अष्टयांश लीला है अपने आप प्रकट हो जाता है। चित्त जब परिमार्जित हो जाता है तो चित्त में स्वतः लीला प्रकट हो जाती है, तभी साधक का प्रथम प्रयत्न होता है, पहले प्रयत्न होता है श्रवण इत्यादि कीर्तन करना, और कीर्तन करके उस लीला में प्रवेश हो जाना, और प्रवेश होकर के भगवान श्री कृष्ण के रूपों का वर्णन करना। ठाकुर जी कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं, यह जो रहस्य है तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए विद्यापति जी हैं, चंडीदास जी हैं, गीत गोविंद जयदेव पंडित हैं, तो ये लोग ये मत समझिए कि लोग कविता लिखे, व्यास भगवान जो भागवत लिखे हैं लिखे नहीं है, स्वतः प्रकट हुआ। नारद जी जब गए व्यास भगवान के पास और व्यास जी बेचैन हैं, पागल हो गए,
तो उन्होंने कहा कि तुम स्मरण करो और तुमको भागवत प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भागवत नित्य, भागवत व्यास की रचना नहीं है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है, तो व्यास जी के हृदय से प्रकट। जैसे श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए, तो देवकी के बेटा श्री कृष्ण नहीं, वो तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। देवकी को कभी बना लिए, कभी अदिति को बना लिए, कभी कौशल्या को बना लिए, भगवान तो नित्य है। उसी तरह श्रीमद् भागवत है, गीत गोविंद है, ये सब नित्य लीला है। कवि एक कवि साधारण कवि नहीं, भगवान के रूप को देखते हैं, रूप को देखते हैं बेहोश हो जाते हैं। विद्यापति जी का एक पद है कि जितने मैं उपमा दिया हूँ उतना उपमा को देख करके हमको शर्म आता है। जब भगवान प्रकट हो गए तो कहते हैं कि माधव कत तोर करब बड़ाई, हे माधव तुम्हारी कितनी हम बड़ाई करें। जितना कवि लोग लिखते हैं उपमा लिखते लिखते थक जाते हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि तुम्हारी उपमा में किससे दूं। ठाकुर जी प्रकट हो गए तो कहते हैं उपमा तोहर कहब ककरा हम कहतम अधिक ल जाई। ठाकुर जी का जो रूप प्रकट हो गया तो कहते हैं कि अब तुम्हारा उपमा मैं किससे दूं, कितने सुंदर हो मैं किससे बताऊं। आज यदि किसी संसारिक उपमा को देखता हूं तो शर्म आ जाता है। यदि भगवान जब प्रकट हुए तो प्रकट होने पर उनके अंग से दिव्य सुगंध निकलता है, वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो विद्यापति जी कहते हैं कि यदि मैं कहूंगा कि तुम्हारा श्री अंग चंदन है, दिव्य गंध निकल रहा है, तो और अधिक मुझे शर्म लगता है। चंदन तो लकड़ी है, लकड़ी की तुलना ठाकुर से करते। जो श्रीखंड सौरभ यति दुर्लभ सो पुनिकाथ कठोर। शर्म आता है, अब तुम्हारा उपमा चंदन से क्यों करूं, क्योंकि चंदन तो कठोर है, तो दुर्लभ सुगंध है, लेकिन है तो कठोर, लेकिन तुम्हारा श्री अंग तो कठोर नहीं, इसमें से दिव्य सुगंध निकलता है। अच्छा तुम्हारे मुख मंडल को देख करके यदि कह दो कि कृष्ण का जो कृष्ण चंद्र है इनका मुखार बिंद चंद्रमा के समान है, वो और मुझे कष्ट होता है। क्योंकि जो जगदीश निशा कर तो पुनी एक ही पक्ष अजोर। यदि मैं कह दू कि आपका मुखमंडल चंद्रमा जैसा है, तो चंद्रमा तो हमेशा उसका प्रकाश रहता नहीं है, कभी शुक्ल पक्ष होता है, कभी कृष्ण पक्ष हो जाता है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, तो तुम्हारा रूप ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं। अब बताओ आपका उपमा किससे, जितने कवि हैं आपको तो जुठा दिए, अलग अलग कह दिए। अच्छा यदि मैं तुम्हारा उपमा मणि के समान दे दूं कि तुम मणि के समान हो, तो मणि पारस मणि तो पत्थर होता है, पत्थर से मैं तुम्हारा उपमा दूं, मणि समान और नहीं दूसर, ताकर पत्थर नाम, उसको तो पत्थर कहते हैं। यदि कह दू कि आपका जांघा आपका शरीर एकदम सोना जैसा चमक रहा है, तो और कनक कदली छोटी लज्जित भय रहो कि कहूं थाम नहीं थाम। मैं कैसे कह दूं, वो तो कनक तो पत्थर है, कठोर है, तब उपमा किससे करूं तुम्हारा। कहते हैं तोहर शरी एक तो ही माधव, आपके समान केवल आप ही हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अब जो जितना भी उपमा दिया गया है कि प्रिया जी का अंग हिरण की आंख की जैसा है, गज के समान, ये केवल लोगों को दिखना वैसा है नहीं, यही कहते हैं आपके समान केवल आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है।
इसीलिए विद्यापति जी कहते हैं सज्जन जन से लेह उसी की कभी विद्यापति भान। इसी प्रकार जो श्रील रूप गोस्वामी पाद विलाप पुष्पांजलि में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ये सब जो ग्रंथ है तो ये ग्रंथ मन से नहीं बनाए गए, कवि की रचना नहीं, ये स्वतः लीला है, स्वतः लीला स्फुरण हुआ है और इस स्फुरण को देख करके इस प्रकार करते हैं। लेकिन हमारा मन उसमें नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है तो कह रहे हैं कि हे प्रभु देखिए तो सरा हमको आपने जन्म दिया और जन्म देकर के केवल यही निवेदन किया, जीव से देखिए भगवान प्रार्थना की है, भगवान ने मानव शरीर दिया और उसका कारण केवल ये की है कि हमको चिंतन करेगा मुझको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे फंस गए हैं, वो सारे संसार को छोड़ करके आपसे अलग हो गए हैं और उन वस्तुओं के चक्कर में पड़ गए हैं। तातल संकत बार बिंदु सुन सुत मित्र रमन समाज, तातल संकत ये संसार का जितना सुख है वो क्या है, गर्म गर्म बालू है, उसमें पानी का छींटा मारिए तुरंत सूख जाएगा। उसी तरह संसार का जितना सुख है केवल देखने के लिए, रहने वाला नहीं। इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी के उस रूप का वर्णन किए कि प्रिया जी श्याम सुंदर के रूप को देख करके मूर्छित हो गए और मैया यशोदा ठाकुर जी के बात सुन करके जाने के लिए तैयार हो गए और सखी सहचरियों के हृदय में आनंद की धारा आ गई कि अब भगवान श्री कृष्ण जाएंगे और जाकर के गोचारण करेंगे, गोचारण के बहाने प्रिया जी से मिलेंगे और कुंड पर लीला होगी, स्वच्छंद विहार होंगे, तुम्हारी लागिया बेड़ा ही भ्रमिया गिरी नदी बने बने। केवल तुलसी मंजरी कहती है कि श्याम सुंदर जो एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हैं केवल प्रिया जी तुम्हारे लिए और उनका कोई काम नहीं। धन्य है राधा रानी के प्रेम का गौरव, किंकरी तुलसी मंजरी इस लीला का स्मरण करके उन्मत्त हो गई, प्रसन्न हो गई। रघुनाथ दास जी कहते हैं गो गोकुल रक्षण व्रत करिया ग्रहण, इस श्लोक का भावानुवाद कर रहे हैं। श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य प्रयोजन है गो गाय के कुल का रक्षण, ठाकुर जी का अवतार इसीलिए होता है, दो काम के लिए आता है, गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने। तो गैया की रक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं, व्रत ले लिए हैं, एक वन से दूसरे वन में भ्रमण कर रहे हैं। विकला जननी गौन गमन एर त्वरे, व्याकुल होकर के मैया यशोदा तड़प करके रह जाती है, लालन परेम जारी अति स्नेह भरे, स्नेह से उतावली होकर श्याम सुंदर को अपने गोद में पकड़ लेती है और कहती है मत जाओ, लेकिन मृत्यु सेई से ब्रजेंद्र सुत तुम्हार रहेगी। देखिए भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी के द्वारा मैया यशोदा से मना दिए जाने के लिए, उसी समय जब मैया यशोदा श्याम सुंदर को जाने के लिए तैयार हो गए, छुट्टी दे दी, उसी समय मृदु हास्योत्फुल्ल हावे रही बचाई, प्रिया जी के मुख मंडल में मृदु मुस्कान छा गया। तुम्हें तुहार पाने परी कई क्षण, कभी आमी से लीला करीब दर्शन। तुलसी मंजरी कहती है कि जब आपके मुखारविंद पर वह मंद मंद मुस्कुराहट छाया उसको मैं कब देखूंगी और देख करके आनंदित होंगी। और सखियां महाराज चल देती। अब आगे का श्लोक में पुनः प्रिया जी प्रसाद पाएंगे कृष्ण का उच्छिष्ट प्रसाद, उसका वर्णन करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। ठाकुर जी को ठाकुर जी मना लिए हैं प्रिया जी, गीत गोविंद में चल रहा है द्वादश सर्ग। ललिता जी सखियां किशोरी जी को लाई हैं और कहती हैं माधव श्याम सुंदर से प्रार्थना करती हैं कि आप हे राधिके तुम माधव के अनुकूल बन जाओ। इतना कह करके सखियां चली गई। द्वादश सर्ग प्रारंभ हुआ। गतवती सखी वृंदे मंद त्रपा भर निर्भर स्मर सर्वसात्तस्मिताधरम सरस मन सम दृष्ट्वा राधा मुहुर नव पल्लव प्रसव शयने निक्षिप्ता श्रीमुवाच हरि प्रिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। प्रिया जी उठ गई हैं। प्रिया जी को श्याम सुंदर मनाए। मनाने के बाद सखियां तैयारी प्रिया जी को नव निर्मित निकुंज में ले आई और प्यारी श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण पकड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे प्रिया जी का चरण कमल की वर्णन कर रहे किशल शयन तले गुरु कामिनी चरण नलिन विनिवेशम तव पद पल्लव मैरि पराभव निद मनुभव तु सुवेशम क्षण मधुला नारायण मनुगत मनु शर्मा राधिके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। क्षण मधुना नारायण मनुगत मनु शर्माम राधिके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक क्षण के लिए आप प्यारे श्याम सुंदर के अनुकूल हो जाए। क्षण मधुना नारायण मनुगत मनु शर्माम राधिके। किशलय शयन तले गुरु कामिनी चरण नलिन विनिवेशम तव पद पल्लव वैरि पराभव मिद मनुभवतु सुवेशम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कर कमल न करो चरण महगा मुनिता से विदूरम क्षण मुख को
चरणों परिमामेव नूपुर मनोगति शूरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण को पकड़ करके दबा रहे, चरण सेवा कर रहे, कारण कि तुम बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी, इसलिए कर कमलेन करो चरण मह काम मिता से विदूरम, क्षण मुख गुरु शयनो परिमामेव नूपुर मनुगति शूरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गगन सुधा निधि गलित अमृत विवर जय वचन मनुकूलम, विरह विवापन यामि वयोधर रोधक मुरसि दुकूलम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रिय परिरम्भण रभस बलित मेव कुल के कर्मण्य दुरा कुछ कल सम विनिवेशय सोषय मनसि जतापम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अधर सुधारस मुपनय भामिनि जीवय मृतमिव दासम, त्वयि बिन हित मन सम विरहानल तर्तव पुष विलास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शशि मुख मुख रय मणि रसना गुण मनु गुण कंठ निनादम, मम श्रुति जुगले विकरव विकले समय चिरादव सादम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मामति विफल रुषा विकली कृतमवलोकित मेदम, लज्जितमिव नयनम तव विरमति सृजति वृथारति खेदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे श्री जगदेव प्रणीत मित मनु पद निकटति मधुरि कुमोदम जनयतु रसिक जनेषु मनोरम रति रस भाव विनोदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे गीत गोविंद पाठ करते समय यही समझना चाहिए कि हम ठाकुर जी को सुना रहे हम पंडित बाबा जी को सुना रहे इन लोगों का हाथ का यही लीला है इसी लीला में अपना जीवन बिता दे श्री गौरांग महाप्रभु केवल गीत गोविंद विद्यापति और चंडीदास इन्हीं में इन लोगों का प्राण बसा इन महापुरुषों की वाणी गई इसको सुना न बस दौर्भ्याम संयमित पयोधर बरे पीड़ित पड़ी जई आविद्ध दशन क्षता धर पुर श्रोणित के नाहत हस्ते नान मित कचे धर मधु छंदे न सोहित कांत काम पितृप्ति माप तद हो कामश्य वामागति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मैं देखा राम सुखदास जी देखने में सन्यासी लगते थे ज्ञान ज्ञान की चर्चा करते थे और 12 बजे रात में गीत गोविंद का पाठ सुनते थे सब महात्मा लोग बैठ जाते थे और गीत गोविंद होता था और पाठ सुनते थे एक महात्मा कहते थे किसी रसिक महापुरुषों के समाधि पर जाओ और गीत गोविंद सुना दो तो तू अपने हृदय की वस्तु देख अतसा निर्गत बाधा जितनी बाधा है सब हट गया अतसा निर्गत बाधा राधा स्वाधीन भर्तिका निज गादरती क्लांतम कांतम मंडन वांछया इति सहसा सुप्रीतम सुरतांते शानितांत खिनांगी राधा जगाद सादर विद्मानंदे गोविंदम गीत गोविंद का अंतिम अष्टपदी इसमें प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को सेवा का स्वर से दे रहे आज ऐसा कोई सर प्रिया जी कहती है अब हमको पानी पिलाओ हमारा चोटी टूट दो हमारा पैर भगा दो आदेश प्रिया जी देती जिस वस्तु के लिए ठाकुर जी लायक रहते इसको कहते हैं स्वाधीन भक्ति प्रिया जी आदेश जब गुरु अपने शिष्य को डांट कर कहे कि हमको पानी लाओ सेवा तब समझना चाहिए हम पर कृपा हो यहाँ पर अब प्रिया जी आदेश देती है गुरु जदुनंदन चंदन शिशिर करे न करे न पयो धरे मृग मद पत्र कमात्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे निज गाद साज दुनंदने क्रीड़ति हृदयानंदने हरिकुल गंजन संजन कमर दिनायक सायक मोचने
पददर चुंबन लंबित काजल मुज्ज्वलय प्रिय लोचने निज गाद साजतु नंदने क्रीड़ति हृदयानंदने नयन कुरंग तरंग विलास विरोध करे श्रुति मंडले मन सिज पास विलास धरे शुभ वेश निवेशय कुंडले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये सब सेवा मंजरियों की, ये मंजरी की सेवा है, लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर को सेवा देती हुई राधा रानी। भ्रमर चयम रचयन तमु परि रुचि रम मम संगे जित कमले बिमले परिकर्मय नर्म जनं कमलं मुखे निज गाद साजतु नंदने क्रीड़ति हृदयानंदने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे मृगमद रसवलितं ललितं तिलपुरक रजनी करे विहित कलंक कलंक मलानन विश्रम सित श्रम सीकरे निज गाद साजतु नंदने क्रीड़ति हृदयानंदने मम रुचिरे चिकुरे कुरु मानद मन सिज ध्वज चामरे रति गलिते ललिते कुसुमानि शिखण्ड कडामरे निज गाद साजतु नंदने क्रीड़ति हृदयानंदने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सरस घन जगने मम शंबर गारन वार कंदरे मणिरस नावस नाभरणानि सुभाषय वासय सुंदरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे।